बायोडायवर्सिटी इन इंडिया के पार्ट टू में हम बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स की बात करते हैं। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो सबसे पहले हम देखें चार प्रमुख हॉट स्पॉट्स की हमने बात की है। हिमालय जो कि यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार के कुछ हिस्से, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इन हिस्सों में फैला हुआ है। ये हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है। सेकंड है इंडो बर्मा जो कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, इन हिस्सों में है। थर्ड है वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट आप गुजरात का जो सदर्न गुजरात है वहां से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु का एरिया इसमें आता है ये। और इसके अलावा सुंडालैंड, सुंडालैंड में अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स आते हैं। तो ये चार बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इंडिया में मौजूद हैं। इनमें लगभग सभी हॉट स्पॉट, सबसे कम जिसमें हिमालय है उसे छोड़ के सभी के अंदर इनवेसिव स्पीसीज का प्रवेश हो चुका है। तो भारत में चार हॉट स्पॉट्स हैं। वन इज हिमालय जिसके अंदर संपूर्ण इंडियन जो हिमालयन रीजन है वो आता है। और कंट्रीज की हम बात करें तो पाकिस्तान, तिब्बत जो कि चाइना का ही पार्ट है, नेपाल, भूटान जो सदर्न चाइना है वो, और म्यांमार ये शामिल है। इंडो बर्मा रीजन के अंदर भारत का पूरा, लगभग पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आता है जिसमें आसाम और आप अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दीजिए, इसके अलावा अंडमान और निकोबार ग्रुप को छोड़ दीजिए जो कि सुंडालैंड में आते हैं। अंडमान के जो द्वीप है वो इंडो बर्मा रीजन में आते हैं। और साथ ही साथ म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और सदर्न चाइना ये इंडो बर्मा रीजन में आते हैं। सुंडालैंड में निकोबार आइसलैंड्स आते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई और फिलीपींस आते हैं। और वेस्टर्न घाट में पूरा वेस्टर्न घाट रीजन और श्रीलंका आता है। सबसे पहले हम बात करें हिमालयन जो हॉट स्पॉट है ये विश्व के सबसे ऊंचे माउंटेन माउंट एवरेस्ट का भी घर है। यहाँ पर माउंटेन बहुत तेजी से राइज करते हैं और निश्चित तौर पर यहाँ जो डाइवर्सिटी है वो इकोसिस्टम की बहुत ज्यादा पाई जाती है। एलिबल ग्रासलैंड से सब ट्रॉपिकल ब्रॉडली फॉरेस्ट से लेकर के अल्पाइन मिल्ड्यू और जो कि ट्री लाइन के ऊपर पाए जाते हैं वहां तक है। वेस्कुलर प्लांट यहाँ जो रिकॉर्ड किए इवन 6000 मीटर से ऊपर भी वेस्कुलर प्लांट रिपोर्ट किए गए हैं। कई महत्वपूर्ण बर्ड्स और मेमल्स इंक्लूडिंग वल्चर, टाइगर, एलिफेंट, राइनो, वाइल्ड वाटर बफेलो का ये घर है। टेक्सोनोमिक पोजीशन देखें तो प्लांट्स में यहाँ 10,000 स्पीसीज मौजूद हैं जिनमें से 3,160 स्पीसीज इंडेमिक हैं जो कि टोटल इंडेमिज्म 31.6% दर्शाता है। मेमल्स की 300 स्पीसीज में से 12 स्पीसीज इंडेमिक हैं। बर्ड की 977 स्पीसीज यहाँ पाई जाती हैं जिनमें से 15 स्पीसीज इंडेमिक हैं। रेप्टाइल की 176 स्पीसीज हैं जिनमें से 48 इंडेमिक हैं। एम्फीबिया की 105 स्पीसीज मौजूद हैं जिनमें से 42 इंडेमिक हैं। और फ्रेश वाटर फिशेज की 269 स्पीसीज हैं जिनमें से 33 स्पीसीज इंडेमिक हैं। सर्वाधिक इंडेमिज्म यहाँ पर एम्फीबिया और प्लांट्स में मौजूद है। बायोजोग्राफिकली हम देखें तो पहली आर्कटिक और इंडो मलयन जो रीम है उनके बीच में ट्रांजिशन जोन ये बनाता है। तो दोनों ही जो रीम है उनकी स्पीसीज यहाँ पर इस हॉट स्पॉट में मौजूद है।
इसके अलावा जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिक और एल्टीट्यूडनल जो वेरिएशन है इस हॉटस्पॉट में, और इसके अलावा टोपोग्राफिक कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके कारण बायोडाइवर्सिटी, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इस रीजन की है, वो अलग प्रकार की है। इस रीजन की रिमोटनेस और इन एक्सेसिबिलिटी के बावजूद ह्यूमन इंड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी लॉस से ये अछूता नहीं है। इंसान यहाँ हजारों साल से रहते आए हैं, लेकिन अब ग्लोबल मार्केट तक पहुंच बढ़ने के कारण इन एरिया में पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके कारण से, क्योंकि ये काफी रिच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, काफी प्रोडक्टिव है, इनके कारण से यहाँ से इनका एक्सप्लोरेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो पॉपुलेशन के जो लगातार यहाँ इंक्रीज हो रहा है, उसके कारण एक्सटेंसिव क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड फॉर कल्टीवेशन और लॉगिंग बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। लॉगिंग बहुत दोनों तरह की, लीगल और इलीगल हो रही है, जिसके कारण कई स्थान पे सीवियर इरोजन की स्थिति पैदा हो गई है। यद्यपि कल्टीवेशन की जो अपर लिमिट है यहाँ पर 2100 मीटर है, खासतौर पे वो स्लोप्स जहाँ पर जो मानसून के लिए एक्सपोज है, लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं यहाँ के, वो बारले, पटेटो, बकबीट आदि को इससे भी ऊंचे एलिवेशन पे उगा रहे हैं, जो खासतौर पे इनर वैलीज और ट्रांस माउंटेन रीजन में, जैसे कश्मीर हो गया, लाहौल, लद्दाख ऐसे रीजन के अंदर। तो जनरली समर मंथ्स में लाइव स्टॉक के लिए लैंड को क्लियर कर दिया जाता है, और यहाँ पर झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस में है, फायर के माध्यम से लैंड को क्लियर किया जाता है, और कई बार ये जो फायर है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। फॉरेस्ट कन्वर्जन, ग्रासलैंड का एग्रीकल्चर सेटलमेंट के लिए उपयोग, डिफोरेस्टेशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ये नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिंग, आसाम जैसी जगहों में ये काफी ज्यादा, दार्जिलिंग एक्चुअली जो पश्चिम बंगाल है उसका क्षेत्र है, इनके अंदर ये बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इस हैबिटेट के कई सारे हिस्से हाईली डिग्रेड हो चुके हैं ओवरग्रेजिंग, कैटल और डोमेस्टिकेटेड याक के कारण इसका एक बड़ा कारण है। फ्लोरा याक का काफी फ्रेजाइल है, और इसका ओवर एक्सप्लोइटेशन खासतौर पे ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए ये होता है। फ्यूल वुड कलेक्शन, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्सट्रैक्शन, ये भी यहाँ पर काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा अनप्लान्ड एंड पुअर मैनेज टूरिज्म भी यहाँ के एनवायरमेंटल डिटेरियरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पॉलिटिकल अनरेस्ट तो है ही है। इसके अलावा पोचिंग यहाँ की एक बड़ी समस्या है, खासतौर पे टाइगर, राइनोसेरोस आदि को लेकर के, क्योंकि इन पार्ट्स का इस्तेमाल ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में किया जाता है, तो ये काफी बड़ा थ्रेट इसके लिए पैदा करते हैं। इसके अलावा जो अन्य थ्रेट्स हैं वो माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड लार्ज डैम्स एंड पॉल्यूशन भी है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है इंडो बर्मा रीजन, जो करीब 2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का रीजन है। ये 6 लार्ज जो मेमल स्पीसीज हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं, जिसमें लार्ज एंटीलेटेड मुनचैक, एनामाइट मुनचैक, गैशेंक डॉक, एनामाइट स्ट्रिप्टेड रैबिट, लीफ डियर एंड शावला जो है यहीं की इंडेमिक हैं जो पाई जाती हैं। यहाँ पर काफी रिमार्केबल इंडेमिज्म आपको फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज में देखने को मिलेगा।
और ये सारी थ्रेटेंड हैं, लगभग एक्सटेंशन के कगार पे है ड्यू टू ओवर हार्वेस्टिंग एंड हैबिटेट लॉस। बर्ड लाइफ भी यहाँ पर काफ़ी डाइवर्स है, 1300 से ज़्यादा बर्ड स्पीसीज मौजूद हैं, जिनके में वाइट ईयर्ड नाइट हेरॉन, ग्रे क्राउन क्रोकियास एंड ऑरेंज नेक पैट्रिस भी शामिल हैं। हम अगर इंडिविज्म की पोजीशन देखें तो प्लांट में 13,500 स्पीसीज में से 7,000 स्पीसीज इंडेमिक है, जो कि करीब 51.9% बनाती हैं। मेमल की 433 स्पीसीज में से 73 स्पीसीज इंडेमिक हैं। बर्ड्स की 1266 स्पीसीज मौजूद हैं इस एरिया में, जिसमें से 64% इंडेमिक हैं, 64 स्पीसीज इंडेमिक हैं जो कि 5.1% बनाती हैं। रेप्टाइल की 522 में से 204, एम्फीबिया की 286 में से 154 और फ्रेश वाटर फिशेज की 1262 में से 553 इंडेमिक हैं। सबसे अधिक इंडेमिज्म एम्फीबिया और प्लांट और इसके अलावा फिशेज में मौजूद है यहाँ पर। तो ये वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। रिसोर्स एक्सप्लोइटेशन और हैबिटेट लॉस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इंडो बर्मा जो रीजन है, ये पहला प्लेस है जहां पर ह्यूमन ने एग्रीकल्चर प्रारंभ किया था, और इस कारण यहाँ फायर के माध्यम से लैंड क्लीन करने की जो तरीका है उसकी एक बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ पर आपको वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कमर्शियल प्लांट ट्री प्लांटेशन लाइक टीक, रबर, ऑयल पाम यहाँ काफी ज्यादा देखने को मिलता है। कॉफी, टी, वेजिटेबल क्रॉप, सुगर के प्लांटेशन के कारण जो माउंटेन और हिल फॉरेस्ट है उनको खतरा पैदा हो गया। इसके अलावा लॉगिंग, माइनिंग, फायरवुड कलेक्शन, चारकोल प्रोडक्शन यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं। फ्रेश वाटर फ्लड प्लेन स्वाम्प और वेटलैंड में हम देखें तो वेट राइस कल्टीवेशन के ड्रेनेज के कारण ये काफी ज्यादा इनके अंदर समस्याएं पैदा हो रही हैं। डैमिंग के कारण न केवल वो क्षेत्र डैम का वो एक लार्ज पॉन्ड में तब्दील हो जाता है, बल्कि यहाँ का टेम्परेचर, ऑक्सीजन कंटेंट रिड्यूस होता है, साथ ही साथ रिवर बेड इरोजन बढ़ता है और डाउन स्ट्रीम जो वाटर टर्बिडिटी है वो बढ़ती है। इस क्षेत्र के जो मैंग्रोव हैं वो श्रिम्प एक्वाकल्चर पॉन्ड में तब्दील कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो सैंड ड्यून इकोसिस्टम से इंडो बर्मन रीजन में वो अफॉरेस्टेशन के कारण से काफी ज्यादा थ्रेटन्ड है, और इसी के अलावा वहां पे कैजुराइना एक्वेसिलीफोलिया का भी इन्वेजन बहुत ज्यादा हो गया है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण, ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के कारण ये जो हॉटस्पॉट है वो क्रिटिकल लेवल पे आ चुका है। वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी यहाँ बहुत ज्यादा होती है, खासतौर पर टर्टल, स्नेक, टाइगर और अदर स्पीसीज की। कमर्शियल लॉगिंग भी यहाँ पर काफी ज्यादा है, जिसके कारण अल्टीमेटली जो ये हॉटस्पॉट है काफी डिग्रेड हो चुका है। नेक्स्ट सुंडालैंड। सुंडालैंड वो हॉटस्पॉट है जो कि इंडो मलायन, फिलीपीन और वेलेशिया तीनों से मिलता है। इसकी अपनी एक विशेष प्रकार की फ्लोरा और फौना है। इसमें हमारा निकोबार रीजन आता है। इस पूरे क्षेत्र में भी जो टाइगर, मंकी, टर्टल स्पीसीज का फूड और मेडिसिन के लिए काफी ज्यादा ट्रेड यहाँ होता है। औरंग उटान की जो पॉपुलेशन है इस हॉटस्पॉट में वो ड्रास्टिकली कम हो चुकी है। इसी प्रकार के जो साउथ ईस्ट एशिया के राइनोसेरोस हैं, जावा और सुमात्रा में पाए जाते हैं, उनकी भी संख्या में काफी ज्यादा कमी आ चुकी है।
कमर्शियल प्लांटेशन भी यहाँ का एक बहुत बड़ी डेटिमेंटल फोर्स है। यहाँ सर्वाधिक आप देखेंगे एम्फीबियन स्पीसीज 244 हैं, जिनमें से 196 इंडेमिक हैं। सर्वाधिक इंडेमिज्म देखने को मिलता है। सुंडालैंड हॉट स्पॉट में इंडेमिज्म बहुत हाई है, 60% ऑफ प्लांट स्पीसीज इंडेमिक। रेप्टाइल की मोर देन हाफ इंडेमिक, एम्फीबियन की 80% इंडेमिक, मैमल की ऑलमोस्ट हाफ जो स्पीसीज है वो इंडेमिक, फ्रेश वाटर फिश की 36% इंडेमिक। इस क्षेत्र की जो सबसे इस हॉटस्पॉट की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ओरांगुटान, राइनोसेरोस, टर्टल, स्नेक, गेको, पेंगोलिन, बियर, मंकी, ये सब का इस्तेमाल चाइनीज मेडिसिन में खास तौर पे किया जाता है, जिसके कारण इस हॉट स्पॉट के अंदर इसके इलीगल ट्रेड के कारण बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है। इसके अलावा केज बर्ड ट्रेड भी एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। नेक्स्ट जो फोर्थ हॉट स्पॉट जो इंडिया में जो है वो है वेस्टर्न घाट। साथ ही ये वेस्टर्न घाट रीजन श्रीलंका में भी है। यहाँ पर पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है और टिम्बर और एग्रीकल्चर बड़ा कारक है यहाँ के डिग्रेडेशन का। ये जो वेस्टर्न घाट का हॉट स्पॉट है ये हैवीली फ्रेगमेंटेड है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ फार्मिंग, लॉगिंग, पोचिंग इलीगल भी काफी ज्यादा होती है। यहाँ पर प्लांट, रेप्टाइल और एम्फीबिया की काफी इंडेमिज्म देखने को मिलता है। रेप्टाइल 65%, एम्फीबिया 73%, फ्रेश वाटर फिशेस 72% 8.8 और प्लांट 51.5% इंडेमिक है इस रीजन के अंदर। यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, 260 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं उनमें गरीबी होने के कारण ज्यादातर जो लोग हैं यहाँ के नेटिव पॉपुलेशन है वो इन्हीं पर पूरी तरह से डिपेंड करती है, और सेलेक्टिव लॉगिंग काफी ज्यादा यहाँ पर हो रही है। इसी के अलावा एग्रीकल्चर, जैसे हमने आपको बताया, मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस खासतौर पे टी, कॉफी, रबर, ऑयल पाम, टीक, यूकेलिप्टस आदि के कारण से यहाँ के बायोडाइवर्सिटी पे काफी बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। इंक्रोचमेंट यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा ग्रेजिंग बाय कैटल और गोट ये बड़ी समस्या है। टिम्बर प्लांटेशन यहाँ का काफी ज्यादा होता है यहाँ पर। इसके अलावा जो हंटिंग है उसका भी काफी ज्यादा प्रेशर है। अनकंट्रोल्ड टूरिज्म, फॉरेस्ट फायर भी अन्य बड़े कंसर्न है इस सीजन के। यहाँ पे आपने एलिफेंट रेडिंग और लियोपर्ड किलिंग लाइव स्टॉक के बारे में खबरें आप सुनते रहे होंगे। फार्मर्स का इनके लिए जो कंपनसेशन है वो जनरली इनएडुकेट है। इस कारण कई बार जो ग्रामीण लोग हैं वो इन वाइल्ड एनिमल को इंजर्ड कर देते हैं या उन्हें मार भी देते हैं। तो ये यहाँ के क्षेत्र की बड़ी समस्याओं में से एक है। तो ये हमारे देश में जो चारों हॉटस्पॉट हैं उनके बारे में मैंने आपसे कुछ जानकारी साझा की है। धन्यवाद।